आज के इस गरिमामय कार्यक्रम मैं अध्यक्ष के रूप में हम सबके बाद विराजमान आदरणीय श्री अभय चौधरी जी, हमारे पूर्व संगठन मंत्री और संवाद के प्रभारी माननीय विजय दुबे साहब, आदरणीय देवेश शर्मा जी, आदरणीय वीरेन जैन साहब, विनोद शर्मा जी, आदरणीय जयप्रकाश राजोदिया जी, विनय जी और इस अवसर पर उपस्थित सभी सब आदरणीय कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सब इस बात के साक्षी हैं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से कार्यभार संभाले हैं तब से लगातार उनके जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया जाता है। उसी श्रृंखला में अभी ये कार्यक्रम चल रहे हैं और इस बार भी पूरे देश में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हमारे समविचारी संगठनों ने और अनेक शुभचिंतकों और मोदी जी को फॉलो करने वाले जितने लोग हैं सबने भिन्न भिन्न आयोजन के माध्यम से उनके जन्मदिन के कार्यक्रम को संपन्न किया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त है। वैसे तो अगर हम अतीत पर भी दृष्टिपात करेंगे तो हमारे ध्यान में आएगा भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की दृष्टि से हमेशा बहुत ही समृद्ध रही। हमारी राजनीतिक यात्रा का आरंभ 1951 में हुआ और 1951 में हमारे सबसे पहले अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। उस कालखंड में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जब चर्चा होती थी तो उनको भी वैचारिक अधिष्ठान, साहस, नेतृत्व, राष्ट्र के प्रति समर्पण, इस दृष्टि से जब लोग आकलन करते थे तो डॉक्टर मुखर्जी का नेतृत्व भी एक तौर से अतुल्य था। डॉक्टर मुखर्जी के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारी इस विचार यात्रा की कमान संभाली। हम सब आज पंच निष्ठाओं से जुड़े हुए हैं। उन पंच निष्ठाओं में एक निष्ठा हमारी एकात्म मानववाद के प्रति भी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे। उनका चिंतन सर्वमान्य उस कालखंड में इसलिए नहीं हो सका कि वो भारतीय जनसंघ के नेता थे, वरना एकात्म मानववाद और दीनदयाल जी के चिंतन में वह ताकत आज भी प्रासंगिक है कि देश ही नहीं दुनिया के समक्ष
जो विद्यमान चुनौतियां हैं उन सब चुनौतियों का कोई समाधान दे सकता है तो उस चिंतन का नाम एकात्म मानववाद है। और इसलिए आप सबको ध्यान में आता ही है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जब प्रखरता की सुगंध देश भर में फैलने लगी तो ये उन लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ जो लोग हमारे प्रतिस्पर्धी थे, क्योंकि पंडित दीनदयाल जी विचार के प्रति समर्पित थे, उदीमान नक्षत्र की तरह भारतीय राजनीति पर छा रहे थे और उनकी वैचारिक परिपक्वता इतनी थी कि अगर राजनीतिक क्षेत्र में कोई साक्षात करना चाहे तो वो दीनदयाल जी के सामने अपने आप को गौना पाता था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उस कालखंड के प्रखर समाजवादी नेता थे और समाजवादी विचार हमारे विचार के विरुद्ध था, लेकिन ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार और तर्कों की ताकत थी कि उन्होंने डॉक्टर लोहिया को सांस्कृतिक समाजवाद के प्रति राजी किया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो भूमिका है उस भूमिका के प्रति उनको हमारे विचार के साथ एकमत किया और उसी का परिणाम रहा कि अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया संभवतः जीवित रहते तो शायद उसके बाद का जो चुनाव है वो भारतीय जनता जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में लड़ते यह देश भर के ध्यान में आ गया। दीनदयाल उपाध्याय जी की इस ताकत से भयभीत होकर लोगों ने उनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की और मुगल सराय स्टेशन पर उनकी हत्या कर दी गई। हम सब उनकी पुण्यतिथि को मनाते हैं तो हम सबके ध्यान में उनका व्यक्तित्व कृष्ण को आता है। उसके बाद अध्यक्षों की अनेक मालिकाएं हुई जिन सबने विचार को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया। यहां जितने लोग बैठे हैं उन सभी लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी और लाल कृष्ण आडवाणी जी की जोड़ी को नजदीक से काम करते देखा है। वाजपेयी जी हमारे ग्वालियर के हैं, यह हम सबका सौभाग्य है और वाजपेयी जी ने फर्श से अर्श तक की राजनीति की। ग्वालियर के कमल सिंह बाग और मुरार की गलियों में खेलते खेलते वो एक वैश्विक नेता बने। उन्होंने दल को भी बढ़ाया, विचार को भी बढ़ाया और मैं समझता हूं कि उस कालखंड के प्रधानमंत्रियों में अगर कोई निष्पक्ष रूप से सरकारों का विश्लेषण करेगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार का कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल के रूप में लिखने के लिए वो मजबूर होगा। आडवाणी जी ने यात्रा की कमान संभाली और उन्होंने अपने तरीके से इस हिंदुस्तान की जमीन को नापने की एक सफलतम कोशिश की। अनेक यात्राओं में राम रथ यात्रा एक तौर से मील का बड़ा पत्थर है जो आडवाणी जी के प्रयत्नों से गाड़ा गया और उस यात्रा ने निश्चित रूप से पार्टी को बहुत फलदायी बनाया। तो स्वाभाविक रूप से
अटल जी से अगर तुलना करो तो किसी नेता की तुलना नहीं हो सकती। डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल जी से तुलना करो तो किसी नेता की तुलना नहीं हो सकती। वैसे ही हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज देश को और भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व प्राप्त हुआ है। यह नेतृत्व भी अद्भुत है, अकल्पनीय है और इस नेतृत्व की तुलना भी दुनिया में आज किसी नेता से नहीं है। अतुलनीय व्यक्तित्व का धनी नेतृत्व हम सब कार्यकर्ताओं को प्राप्त है और हम दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इससे ज्यादा सौभाग्य और गर्व का विषय हम लोगों के जीवन में और क्या हो सकता है। आप सब ने नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री के रूप में बहुत नजदीक से देखा नहीं होगा, लेकिन उनके बारे में सुना होगा। और आज प्रधानमंत्री जी के रूप में उनको आप संचार माध्यमों से देखें, लेकिन मैं समझता हूं उनको नजदीक से देखने का अवसर हम सब कार्यकर्ताओं को मिल ही रहा है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी उनका विजन व्यापक था। मुझे ध्यान है कि दुनिया में हवाई अड्डे तो लोगों को चमचमाते हुए दिखते थे, बड़ा आकार प्रकार, बैठने की सुविधा, अंदर कैंटीन और अंदर जाओ तो एसी लगा हुआ है, ऐसे हवाई अड्डे हमें बहुत सारे दिखते थे। देश के बड़े बड़े शहरों में जब जाते थे तो हवाई अड्डे की गूंज हम सब लोगों को ध्यान में आती थी। तब मैं कई बार यह सोचता था कि हवाई अड्डे सुंदर भी हैं, सुविधा युक्त भी हैं और हवाई अड्डे जो आगे बन रहे हैं वो और भी अच्छे बन रहे हैं, लेकिन देश का कोई बस स्टैंड जिस पर गरीब जनता को काम पड़ता है वो बस स्टैंड को इतना सुंदर बनाने का काम कहीं नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे ध्यान है कि उस कालखंड में नरेंद्र मोदी जी ने बड़ौदा में एक बस स्टैंड बनाया था जिस तर्ज पर हम अपना अंतर्राज्यीय बस स्टैंड ट्रिपल आईटीएम के सामने बना रहे हैं। वो बस स्टैंड अपने आप में अद्भुत था, मतलब उस बस स्टैंड में अगर प्रवेश करो तो ऐसा ही लगता था कि हम हवाई अड्डे में प्रवेश कर रहे हैं। तो दुनिया के लोग उसको देखने आते थे और उस पर कई लोगों ने अपने अपने अखबारों में बड़े बड़े लेख लिखे। ये नरेंद्र मोदी जी की व्यापक सोच और गरीबी के प्रति जो उनकी ललक है उस बात का परिचायक है। गुजरात ग्रो करे इसके लिए जो आज इन्वेस्टर समिट होती है, इस ऐतिहासिक समिट को उन्होंने गुजरात में प्रारंभ किया था और गुजरात में उनकी कार्य पद्धति ऐसी थी कि उस कार्य पद्धति के कारण और समिट के कारण दुनिया के उद्योगपतियों को ऐसा लगा कि हमें गुजरात में ही जाना चाहिए और गुजरात की सरकार ने उनको रास्ता दिया। और मैं समझता हूं कि उद्योग की दृष्टि से और व्यापार की दृष्टि से जो आज गुजरात अग्रणी दिखाई देता है उसमें गुजरातियों का योगदान तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का भी बहुत बड़ा योगदान है। यह हम सबके लिए निश्चित रूप से गौरव की बात है। आमतौर पर
सार्वजनिक जीवन में जो काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो जब काम करते हैं तो उनके मन में अपना विचार होता है, मेरा विकास कैसे हो सकता है, मेरा फायदा कैसे हो सकता है, मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का विचार इसके बिल्कुल प्रतिकूल था और भारतीय जनता पार्टी के विचार के अनुकूल था। मेरा क्या होगा यह मैं बाद में सोचूंगा, गुजरात कैसे बढ़ेगा और भारत कैसे बढ़ेगा, यह प्राथमिकता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की रही। 2014 से पहले मैं साक्षी हूं उस क्षण का जब नरेंद्र मोदी जी को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। अब सोचो कि उसी समय तय हुआ कि वो हमारे तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे, चुनाव होगा, चुनाव का परिणाम क्या होगा, मोदी जी ने इस बात का इंतजार नहीं किया। मोदी जी ने एडवांस प्लानिंग की कि हमारी सरकार बनेगी और मुझे प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिलेगा तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए। आपने देखा होगा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि किसी प्रधानमंत्री की शपथ हो और उसमें अपने पड़ोसी देशों के नेताओं को बुलाया जाए। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री थे, सारी सार्क कंट्रियों को उन्होंने अपनी शपथ में बुलाया। और आप सब लोगों को ध्यान हो कि आम तौर पर कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए तो स्वाभाविक रूप से उसे लगता है कि मुझे बड़ा काम करना चाहिए, अगर दौरा भी करना है तो बड़े देश में जाना चाहिए। मोदी जी ने अपनी विदेश यात्रा का आरंभ भूटान से किया और भूटान छोटा सा देश, हम पर अवलंबित भी है। भूटान जाकर कोई बड़ा राजनीतिक उपलब्धि भी नहीं होने वाली थी, लेकिन मैं भूटान से शुरू करूंगा, इसमें भी सारी दुनिया के लिए एक संदेश हुआ। पड़ोसियों के प्रति क्या धर्म होना चाहिए, इस पर जब उन्होंने कार्यक्रम आरंभ किए तो पूरी दुनिया के लिए उसमें संदेश छिपे थे। भारतीय समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन सारी दुनिया नरेंद्र मोदी के एक एक कदम को तौलती है और उस पर रिसर्च करती है और उसके बाद अपनी नीतियों का निर्माण करती है। यह हिंदुस्तान की और नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बात है। हम सर्वांगीण विकास और संतुलित विकास की बात करते हैं। यह सामान्य तौर पर समग्र विकास, संतुलित विकास, यह सिद्धांत के रूप में माने जाते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये एक मंत्र है, एक सिद्धांत है। इस बुनियाद पर हम इमारत को खड़ा कर सकते हैं। तो आप सब ने अनुभव किया होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने यदि कोई नारा दिया तो वो सिर्फ नारा नहीं रहा होगा, वो नारा धरातल पर उतरता हुआ आप सब लोगों को भी अनुभव किया। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन का आह्वान किया। स्वच्छ भारत मिशन की जब 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर में उन्होंने अपना उद्बोधन में शामिल किया और देश भर में हर घर में शौचालय बनाने की बात कही तो हमारे बहुत सारे प्रतिनिधियों ने कहा था
कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनको बड़ी बड़ी बात करना चाहिए, शौचालय बनाने की बात तो बहुत छोटी सी है। लेकिन मुझे ध्यान है कि उस कालखंड में हमारे देश में स्वच्छता का प्रतिशत मात्र 48 था, देश के 52% घरों में शौचालय नहीं था। जिस देश की 52% आबादी शौचालय रहित हो, वह देश क्या विकसित देश बनने की क्षमता रखता है? क्या वो देश विकसित देश बन पाएगा? क्या गरीब लोगों को गरीबी से मुक्त नहीं होना चाहिए? क्या महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा नहीं करना चाहिए? और इसके वैज्ञानिक महत्व को भी अगर आप देखें तो मुझे ध्यान है कि जब स्वच्छ भारत अभियान का आह्वान हुआ तो उसके 6 महीने बाद WHO की एक स्टडी आई थी। उस स्टडी में WHO ने कहा था कि खुले में शौच जाने के कारण भारत में मक्खियां पहले मैले पर बैठती हैं, फिर बच्चों के खाने पर बैठती हैं, और इस वजह से देश में भारी तादाद में डायरिया की बीमारी से बच्चे ग्रसित हो जाते हैं। और उन्होंने सर्वे किया था कि भारत में प्रति वर्ष 7 लाख बच्चे डायरिया की बीमारी से मर जाते हैं। तो एक तरफ महिलाओं का सम्मान, दूसरी तरफ स्वच्छता, तीसरी तरफ गरीबों से जुड़ा कार्यक्रम, और चौथी तरफ डायरिया के माध्यम से मरने वाले 7 लाख बच्चों को बचाने का कार्यक्रम। अब इसके लिए दृष्टि चाहिए, सोच की व्यापकता चाहिए। यह सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, और मैं समझता हूं मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे कार्यक्रम दुनिया में चले हैं, लेकिन अगर रेटिंग की दृष्टि से देखोगे तो स्वच्छ भारत अभियान को दुनिया में सबसे अधिक रेटिंग मिली है। और फिर मोदी जी ने इतना ही नहीं किया कि उन्होंने कार्यक्रम दे दिया, सरकारों को निर्देश दे दिया, स्वच्छ भारत अभियान चले इसके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके अपनाए, स्वयं भी मैदान में उतरे, और आज भी यह अभियान निरंतर बढ़ता रहे और लोगों की आदत में शुमार हो जाए, इसके लिए नगरीय क्षेत्रों में, पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता के लिए प्रतिवर्ष प्रतिस्पर्धा हो रही है। बाकायदा जो लोग अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं उनको प्रोत्साहित करने का, पुरस्कृत करने का काम हो रहा है। इसी प्रकार से आप सब लोगों के ध्यान में आएगा जनधन खाता। तो शुरुआती दौर में तो लोग समझे ही नहीं जनधन खाते का मतलब क्या है। पीएम ने जब जनधन खाते की बात कही तब भी प्रतिक्रिया ऐसी आई थी प्रतिपक्ष के लोगों की कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है, खाता खुलवा के होगा क्या। कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि इतनी बड़ी तादाद में देश की आबादी है और सबके खाते खोलना ये संभव ही नहीं है। लेकिन आप सब ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने जब खाता खोलने की बात कही तो वो उनका पहला भाषण था, लेकिन आज आप अनुभव कर रहे होंगे उस खाता खोलने के कारण, उस खाता खोलने के कारण कितना लाभ कंट्री को हुआ, कितनी ट्रांसपेरेंसी आई। और जो लोग कहते थे कि लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो खाते में रखेंगे क्या, तो वो खाता जीरो बैलेंस पर खुला था
और आप जानते हो कि जो सक्षम था उसके पास तो खाता था ही, तो वो तो गरीब आदमी का ही खाता खुला। 42 करोड़ खाते जनधन अकाउंट खोले गए थे, 42 करोड़ खातों में 1,96,000 करोड़ रुपया जमा है। आप सोचो, इससे अंदाज लगता है कि देश के गरीब आदमी की भी ताकत कितनी है। 1,96,000 करोड़ रुपया इन खातों के माध्यम से बैंक के ट्रांजैक्शन में शुमार हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था को 2,00,000 करोड़ रुपया गरीबों ने दिया एक तौर से, क्योंकि पैसा बैंक में रहता है तो वो सबके काम आता है। और उसके बाद नरेंद्र मोदी को दरअसल क्या समझना बहुत कठिन काम है। जहां से लोगों की सोच खत्म होती है वहां से नरेंद्र मोदी की सोच शुरू होती है। तो लोगों को लगा कि मोदी जी ने खाते खुलवा दिए, लोगों को बैंक की पासबुक मिल जाएगी और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब नोटबंदी हुई और उसके बाद डीबीटी हुआ तो आज लोगों के ध्यान में आ रहा है कि जैसे पीएम किसान का 75,000 करोड़ रुपया एक बटन दबाकर देश के किसान के अकाउंट में पहुंच जाता है, कोई दलाल नहीं। तो पहले के जमाने में अगर देखो तो ये 6,000 रुपया लेने में किसान की एड़ी चोटी एक हो जाती और किसान के हाथ में 2,000 पड़ते, 2,000 दलाल के हाथ में, 2,000 नेता के हाथ में होते क्या नहीं बताओ। यहां बहने हमारी बैठी हुई है, अगर वो डीबीटी नहीं होता तो लाडली बहना भी डीबीटी नहीं होती। आज लाडली बहना योजना के अंतर्गत अपने मध्य प्रदेश में 1.25 करोड़ बहनों को पैसा मिल रहा है। किसी बहन ने आपको शिकायत नहीं की होगी कि मेरे पैसे में कोई अमानत में खयानत कर रहा है। यह कार्यक्रम मन में से तब निकलता है जब पवित्रता हमारे मन में हो, ईमानदारी हमारे मन में हो और गरीब का हक गरीब तक पहुंचाने का हमारा पक्का इरादा हो। देश गरीब है और गरीबी हमारे लिए अभिशाप है। पुरानी सरकारें यही हमेशा कहती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कभी नहीं कहा गरीबी हमारे लिए अभिशाप है। नरेंद्र मोदी जी ने सिलसिलेवार गरीबी दूर करने का प्रयास किया। आज गरीब के पास अकाउंट है, आज गरीब के पास शौचालय है, आज गरीब के पास प्रधानमंत्री आवास है, आज गरीब के पास सौभाग्य योजना के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन है, आज गरीब के पास उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का कनेक्शन है, और आज हमारे गरीब परिवार की बहनों जिनकी संख्या कम से कम 10 करोड़ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से उनके जीवन को बदलने का काम पूरी ताकत से आज पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। तो गरीबी हटाएंगे, इससे गरीबी नहीं हटती। इससे पहले भी बहुत सारे नेताओं ने कहा लेकिन गरीबी नहीं हटी, लेकिन आज आप सब अनुभव कर रहे होंगे देश संपन्नता की ओर बढ़ रहा है। गांव में भी साधन बढ़ रहे हैं, शहर में भी साधन बढ़ रहे हैं। अब हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गरीब के घर में बीमार हो जाए और मान लो बीमारी ऐसी है कि सरकारी अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो पा और वो नर्सिंग होम में चला जाए,
नर्सिंग होम के डॉक्टर ने कहा कि ठीक हो जाएगा, ये होगा वो होगा, इनका ऑपरेशन होगा, फलाने डॉक्टर साहब आएंगे, लगभग 3 लाख रुपया खर्च होगा। ऐसा होता ही है। यहां बैठे भी तमाम सारे लोग इस बात के साक्षी हैं कि जब व्यक्ति नर्सिंग होम में भर्ती होता है, दिन में हमारे पास भी 10 लोग आते हैं कि भाई सर क्या करें, पैसे खत्म हो गए हैं, 1.5 लाख जमा कर दिए, पैसे ही नहीं है, कुछ करवाओ, सहायता करवाओ। ये सबके साथ ही होता है। तो गरीब के घर में अगर 3 लाख रुपया एक साथ बीमारी में लगने की स्थिति आ जाए तो वो अपने आदमी को मरने तो देगा नहीं, 3 लाख कहीं से भी कर्जा करेगा, दो बिटिया जेवर गिरवी रखे, मकान गिरवी रखे और कुछ करे, लेकिन अपने आदमी को जब तक जीवित है बचाने की प्रवृत्ति हम सबके भीतर है। गरीब से गरीब आदमी भी कर्ज लेके बचाने की कोशिश करता है। लेकिन आप सोचो 3 लाख रुपया कर्ज करके जो मजदूर परिवार अपना एक व्यक्ति का इलाज कराएगा, इलाज में 6 महीने खराब करेगा, व्यक्ति ठीक भी हो जाए तो 3 लाख रुपए पटा पाएगा क्या ब्याज से? अगर उसने घर और प्लाट गिरवी रख दिया तो समझ लो जिनका घर जिनके यहां रख दिया उन्हीं का हो गया वो थोड़े दिन बाद, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। और हम सब जानते हैं गरीब परिवार के लोग बीमारी हो जाए तो किसी नेता के पास सहायता मांगने भी जाते हैं। हर पॉलिटिकल व्यक्ति सहायता देने की स्थिति में नहीं होता, कुछ लोग होते हैं या कुछ जनप्रतिनिधि होते हैं जिनके पास कुछ स्वेच्छा अनुदान वगैरह होता है, तो हर एक आदमी उनके पास पहुंच भी नहीं पाता। ये व्यथा एक गरीब परिवार की, इस गरीब परिवार की व्यथा को समझना, महसूस करना और संवेदनशीलता के साथ उसका इलाज करना, तब आयुष्मान भारत जैसी योजना बनी। दुनिया में भारत एकमात्र देश है जिस देश के 5 करोड़ परिवारों के लगभग 50 करोड़ लोग इस इंश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत कवर हो। और आज इसका जगह जगह बहुत फायदा मिल रहा है। मुझे ध्यान है मेरे एक दिन चचेरे भाई अपनी पत्नी को लेकर आए, उन्होंने अपनी पत्नी को बिरला में भर्ती करा दिया। मैं बाहर था, उनका फोन आया तो मुझे लगा कि कुल मिला के बिरला में भर्ती करा दिया तो ये वही कहेंगे कि पैसे लगेंगे बहुत। तो उन्होंने मुझे कहा कि पैसे की चिंता नहीं है, आप तो फोन कर दो, इलाज ठीक हो जाए तो वे पैसे वैसे लेके आए हो। बोले नहीं, वो मोदी जी वाला कार्ड हमारे पास है तो उसका जो टिकट लगेंगे उतना दे देंगे। मतलब ये इंश्योरेंस एक गरीब आदमी की कितनी बड़ी ताकत है जिसको वो गर्व से बोल रहा है। तो गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से भी, गैर बराबरी को समाप्त करने की दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो मोदी जी की दृष्टि बहुत पहली है और जहां तक उनकी दृष्टि गई है वहां तक उन्होंने व्यक्ति को, परिवार को और गरीबी को छूकर उसको निराकरण करने का एक सद प्रयत्न किया है। आप सबको ध्यान में आएगा कि एक जमाना था जब हम एक एबी रोड पर जाते थे। ये एबी रोड यहां से भोपाल जाती है और यहां से दिल्ली जाती है। क्या स्थिति थी? आज आप सब लोग देश भर में जाते होंगे, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर आज हिंदुस्तान में आपको इन 10 वर्षों में दिखाई दे रहा है। हम सिर्फ सड़क बनाकर अपने दायित्व की इच्छरी कर लें या सड़क ऐसी बने कि आज मांग कर रहे हैं तो हमने सड़क बना दी, माला पहन ली, अगली बरसात में फिर उस सड़क में गड्ढे हो गए। लेकिन आज जो सड़कें बन रही हैं
उनकी क्वालिटी का आप अंदाज लगा सकते हैं। दुनिया के लोग भी हमारी क्वालिटी की प्रशंसा करते हैं। रेल का मामला कितने वर्षों से चल रहा था, रेल का नेटवर्क हमारा बहुत पुराना भी है और बड़ा भी, लेकिन उसको परिमार्जित करना वक्त के हिसाब से यह सामान्य तौर पर नहीं हो रहा था। रेल में और रेलवे स्टेशन पर कितनी गंदगी होती थी, अलग गर्मियों के दिन में अगर पटरी के पास रेल पकड़ने खड़े रहो तो 100-200 मच्छर खा जाते थे, लेकिन आज आपको परिवर्तन दिख रहा होगा। पहले रेल का बोगी और रेल का इंजन दोनों ही हमारे यहां नहीं होते थे, विदेश से माल लाते थे और अपने यहां असेंबल करते थे बोगी को। हमारे देश में बोगी भी नहीं बनती थी, इंजन तो बहुत दूर की बात है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया की बात की तो आज मालनपुर में आप देखोगे तो पहली हथियार फैक्ट्री मेक इन इंडिया बनी तो हमारे ग्वालियर का जो इंडस्ट्रियल एरिया मालनपुर, वहां सबसे पहली फैक्ट्री बनी। और आज वंदे भारत ट्रेन धनाधन देश में चल रही है, वंदे भारत की बोगी भी मेक इन इंडिया है और वंदे भारत का इंजन भी मेक इन इंडिया है, और दुनिया से जो माल लाकर हम इंजन बनाते थे उस इंजन से ज्यादा रफ्तार वंदे भारत की इंजन की है। तो मोदी जी की दृष्टि से सामान्य तौर पर कुछ भी ओझल नहीं होता। मुझे ध्यान है कि पिछले दिनों आदिवासी अनुसूचित जाति इनके लिए सामान्य तौर पर कार्यक्रम बनते ही रहते हैं, लेकिन मैं नजर बता रहा हूं कि अगर व्यक्ति सोचता है तो वहां तक जाता है, और किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता की सोच में इतनी संवेदनशीलता और व्यापकता होना ही चाहिए अगर उसे बढ़ना है। एक आध बार चुनाव जीतना हारना पदाधिकारी रहना यह अलग बात है, लेकिन ये जो अपनी संपदा है, जो आपकी बुद्धि है, बुद्धि की व्यापकता है, दृष्टि है, दृष्टि का फैलापन है, ये आपकी अपनी ताकत, और ये ताकत तब भी आपका साथ देगी जब आप पदाधिकारी भी नहीं होंगे, जनप्रतिनिधि भी नहीं होंगे। और इसलिए मैं उनके साथ 10 साल काम करता रहा, तो पिछले साल जब ये अपना 2024 के चुनाव से लगभग साल भर पहले वो आकांक्षी जिलों की चर्चा कर रहे थे, जो विकास की दौड़ में जिले पिछड़ गए, और उनके लिए उन्होंने जिलों को छांटा, जिलों के लिए केंद्र सरकार से अधिकारी लगाया, एक मंत्री की ड्यूटी लगाई, मुख्यमंत्रियों के बात की, नया एकदम यंग कलेक्टर वहां पोस्ट करो, इसके लिए सब प्रयास किए और वो प्रयास सफल भी रहे। लेकिन उसी समय उन्होंने एक बात की कि हम सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं। अभी मुझे ऐसा लगता है कि देश में कुछ वर्ग ऐसे रह गए होंगे जहां तक हमारी दृष्टि नहीं पहुंची। तो सामान्य तौर पर ऐसी में हमने काफी किया, अल्पसंख्यक में काफी किया, बाकी गरीबों में हमने काफी किया, शिक्षा में हमने काफी किया, चिकित्सा में हमने काफी किया। तो उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में छोटे छोटे वर्ग हैं। आदिवासी क्षेत्र में सामान्य तौर पर गौड़ आदिवासी है तो सबकी निगाह में है, भील है तो सबकी निगाह में है, बिलाला है तो सबकी निगाह में है, लेकिन बेगा है, भारिया है, सहरिया है, ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं। इन मतदाताओं की अगर संख्या देखेंगे, मतदाताओं की आबादी को देखेंगे, तो ये आबादी लगभग देश भर में 27 लाख है। अब प्रधानमंत्री जी ने इन लोगों को ढूंढवा के ये 27 लाख लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आए, उसके लिए पिछले दिनों जनमन योजना उन्होंने अभी चुनाव जीतने के बाद बनाई।
सोचो कि 27,140,00,000 के देश में कोई बहुत बड़ा चुनाव में परिवर्तन नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ लोग अपनी अपनी जगह गिनते भी नहीं होंगे, जो चुनाव लड़ते होंगे वही वोटों का लोग गुणा भाग लगाते होंगे, लेकिन 27 लाख लोगों को भी चुनकर उनके जीवन स्तर में बदलाव आए यहां तक पहुंचना, ये मोदी जी की संवेदनशीलता का एक जीता जागता प्रमाण है। डिफेंस के मामले में आप सब लोग जानते हैं कि हमेशा हमारे यहां डिफेंस में खरीद में घोटाला ही होता रहा। मोदी जी ने कहा खरीदना होगा तो हम खरीदेंगे जरूर, लेकिन हम खरीदते ही क्यों रहे, हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनना चाहिए। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि इन 10 सालों के भीतर डिफेंस के जो उपकरण है वो सिर्फ भारत में बनते ही नहीं है, आज भारत का एक्सपोर्ट 50,000 करोड़ रुपए से ऊपर का। कभी हम सोच नहीं सकते थे कि ये चीज भी हमारे यहां बनेगी, लेकिन आज बन भी रही है और दुनिया के लोग हमसे खरीद भी रहे हैं। विदेश नीति के दृष्टि से भी अगर हम देखेंगे तो जैसे मैंने आपको भूटान का उदाहरण दिया, आप लोग जरा रिसर्च करो कि भूटान पहले क्यों गए होंगे, अमेरिका क्यों नहीं गए, चाइना क्यों नहीं गए, सोवियत रूस क्यों नहीं गए, तो ध्यान में आएगा कि वो भूटान क्यों गए, उसका भी एक मकसद है। इजराइल और फिलिस्तीन का भी झगड़ा चल रहा है, वर्षों से लोग इजराइल जाते थे, वाली जाते थे, सारी बैठकें भी वैश्विक संगठनों की बाली में होती थी, होती हैं और अभी भी, लेकिन इजराइल सब जाते थे, फिलिस्तीन कोई नहीं जाता था, क्योंकि दोनों देशों में ऐसी कट्टर शत्रुता थी। भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जो इजराइल भी गए और फिलिस्तीन भी गए। पूरी दुनिया चकित थी कि आदमी है क्या, फिलिस्तीन जा रहा है तो इजराइल से बिगड़ जाएगी, और जब इजराइल के पीएम से पूछा लोगों ने तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, मोदी जी फिलिस्तीन गए हैं तो कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारे भी काम आएंगे। आप सोचिए, मतलब नहीं तो आदमी सोचता है कि क्यों जाए, पुराना दोस्त है उसी के साथ रहना चाहिए। आज आप सोचो रसिया का और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, तो रसिया तो हमारा दोस्त है और पुराना दोस्त है, लेकिन यूक्रेन हमारा दोस्त कभी नहीं रहा। जब भी यूएन में जरूरत पड़ी वोटिंग की तो यूक्रेन ने हमेशा हिंदुस्तान के विरोध में ही वोट दिया, लेकिन आप देखिए हिंदुस्तान की जो विदेश नीति है घोषित रूप से हमने उसका ही अवलंबन किया, हमने अमेरिका और यूरोपीय देशों से भी नहीं बिगाड़ा, लेकिन हमने उनसे स्पष्ट कहा कि हम रसिया से भी नहीं बिगाड़ेंगे। युद्ध के समय अर्थव्यवस्था खराब होती है, किसी भी देश को पैसे की जरूरत होती है, तो भारत ने डंके की चोट कहा कि तुम हमें तेल दो हम तुम्हें पैसा देंगे, चिंता मत करो। लेकिन यूक्रेन में युद्ध हुआ और यूक्रेन में बहुत सारे लोग हताहत हुए, तो नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा दिल करके ये कहा कि हम मानवीयता के पक्षधर हैं, हम शांति के पक्षधर हैं, हम युद्ध के पक्षधर नहीं है। अगर यूक्रेन को किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री और दवाइयों की आवश्यकता होगी तो भारत उसमें अग्रणी भूमिका निभाएगा। रूस का दोस्त होते हुए ये कहना इसके लिए भी बड़ा मादा और बड़ी मन की स्पष्टता की आवश्यकता है। नहीं तो क्या है कि अपन सब जानते हैं कि आदमी कान में तो कह जाता है, चुपके से सामने कोई किसी के मुंह पर नहीं बोलता। और अभी युद्ध चल रहा है,
चलते युद्ध में रसिया से भी बात करना, रसिया का भी टूर करना और साथ ही साथ 7 घंटे रेल से सफर करके यूक्रेन का भी टूर करना, जहां आग जल रही है वहां जाकर दौरा करना, वहां के मुखिया से बात करना और उसको यह संदेश देना कि हिंदुस्तान युद्ध नहीं देता, हिंदुस्तान बुद्ध देता है, हिंदुस्तान शांति का पक्षधर है और युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। 1-to-1 बातचीत में डंके की छुरी कहना, इसके लिए कितनी दम लगती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने यह दम दिखाई और इसलिए आप सब देखते हैं कि दुनिया का कोई देश हो चाहे हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं सोचता है, ये उद्धृत करने की हैसियत अब दुनिया में किसी की नहीं। ये हमारे नेतृत्व की प्रखरता और उनकी कूटनीति का ही परिणाम है और ये इसलिए हुआ, ये पहले भी हो सकता था, कांग्रेस की सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकारें हमेशा जनसंख्या को अभिशाप मांगती रही और भारत गरीब देश है ऐसा करके लोगों के सामने भारत को परोसती रही, जिससे कि हमको उस दुनिया उस देश से कुछ ना कुछ दान मिल जाए, कुछ कर्जा मिल जाए, ये ही लंबे सालखंड से होता रहा। लेकिन मोदी जी ने दुनिया को सिर्फ एक संदेश दिया कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम नजर झुकाकर भी बात नहीं करना चाहते, नजर हम उठाकर भी बात नहीं करना चाहते, हम आंख में आंख डालकर बराबरी के हिसाब से बात। और जब यूएन में नरेंद्र मोदी ने यह किया कहा, उस दिन सारी दुनिया को समझ में आ गया कि ना उठेगी ना झुकेगी, अब हिंदुस्तान से बराबरी का व्यवहार करना ही पड़ेगा। और उसके बाद सारी दुनिया आज हम सब देख रहे हैं कि लाइन पर है। आमतौर पर जीवन में राजनीतिक उपलब्धियां एक पक्ष है, कार्यक्रमों को बनाना उनका क्रियान्वयन करना यह भी एक पक्ष है, लेकिन व्यक्ति का अपना नैतिक बल भी होना चाहिए। लेकिन अगर नैतिक बल के मामले में भी देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। सामान्य तौर पर लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री हैं तो वो तो हवाई जहाज से ही घूम रहे हैं, बड़ी जगह ही रुक रहे हैं, उनको क्या कमी है। लेकिन हम लोगों को सुनकर आश्चर्य होगा कि नरेंद्र मोदी जी जब विदेश में जाते हैं तो उन्होंने तय कर लिया है कि 5-स्टार होटल में मैं नहीं रुकूंगा। क्या 5-स्टार होटल में रुकने के लोग को कोई छोड़ सकता है, सामान्य व्यक्ति भी अगर व्यवस्था कर दी जाए तो? प्रधानमंत्री होकर यह तय कर ले इतनी हाई सिक्योरिटी में कि 5-स्टार होटल में मैं नहीं रुकूंगा, उससे छोटे होटल में मुझे रुक पाऊ। दूसरा, अगर 2-2.5 दिन की यात्रा होती है तो आप थोड़ा सर्च करके देखो, मोदी जी किसी होटल में नहीं रुकते, मोदी जी हवाई जहाज से उतरने के बाद हवाई अड्डे का जो लॉन्चिंग रूम होता है उसी में फ्रेश होके कपड़े बदल के उस कंट्री में 2 घंटे की बैठक करके तुरंत लौटकर हवाई जहाज में बैठकर दूसरी कंट्री। अब ये मोह छोड़ने के लिए नैतिक ताकत चाहिए और नैतिक ताकत आती है त्याग की भावना से और त्याग की भावना आती है संस्कार और विचारों से। तो विचारों की मजबूती खुद को भी आगे बढ़ाती है, विचारों की मजबूती दल को भी आगे बढ़ाती है, विचार की मजबूती देश को भी आगे बढ़ाती है और विचार की मजबूती अगर हमारे भीतर होगी तो निश्चित रूप से हम एक न एक दिन
अतुल्य व्यक्तित्व बनने की ओर अग्रसर होंगे, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को योग्य रूप से निर्माण किया। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास इस प्रकार की इतनी उपलब्धियां हैं, इतने उदाहरण हैं कि मैं समझता हूं कि कभी कोई मैराथन भाषण हो तो 2-4-10 दिन चलेगा तो भी भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का बखान कोई पूरा करवाए यह मुझे संभव नहीं लगता। लेकिन मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, हम बहुत नजदीक से उनको देख रहे हैं, उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र भारत बनने जा रहा है, आने वाले कल में हम विकसित भारत बने, इस कल्पना को साकार करने में नरेंद्र मोदी जी जी तोड़ ताकत लगा रहे हैं। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ सदस्यता करके ही अपने दायित्व की स्त्री न समझे, विकसित भारत में मोदी जी के साथ कदम भी मिलाएं, कंधा भी मिलाएं और भारत को विकसित बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।